समीन पेश स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन ये प्रोग्राम से तोहतम वातनावान आया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू इस इदारे ये इलाज बापत दरकार खालिस दवा डॉक्टर फेरोज सबनी निगरानी मजीद तैयार सप्तान बाजियाब सप्तान बापत अनु तुह तशरीफ आया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू फोन 7051545788। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेहत बदन प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। मेरे साथ हैं शेखुल हदीस मोहतरम मकाम हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब और हया अस्पताल के MD डॉक्टर फिरोज अहमद साहब। आज जो सवाल मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूँगा वो ये है कि हम सदक़े फ़ित्र की जब बात करते हैं, ये सदक़े फ़ित्र असल में है क्या और कितना देना है और किसको देना है? और उसका सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि जब हम ईद नमाज पढ़ते हैं तो ईद नमाज की टाइमिंग यानी औकात क्या है? हमने देखा यहाँ एक मस्जिद में एक टाइमिंग है, उसके बाद बहुत वक्त बीच में तो दूसरी मस्जिद में दूसरा टाइम। आपके पहले सवाल का जवाब कि सदका फितर क्या है और कितना है और किसको देना है, तो जवाब अर्ज ये है कि सदका फितर हर मालदार मुसलमान जिस पर ज़कात लाजिम होती है उस पर सदका फितर भी लाजिम है। सदका फितर और ज़कात में फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है तब अदायगी लाजिम होती है, सदके फितर के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। मसलन एक इंसान को शाबान में इतना पैसा आ गया कि उस पर ज़कात लाजिम होगी, तो अब शाबान में पैसा आ गया, अगले साल शाबान में उसको इस पैसे की ज़कात देनी होगी। लेकिन शाबान के बाद रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान के महीने में जो है ईद उल फितर आ गया तो सदका फितर देना पड़ेगा। इस रकम पर साल गुजरना शर्त नहीं है सदका फितर लाजिम होने के लिए, और इस रकम पर साल गुजरना शर्त है ज़कात की अदायगी के लिए। ये दोनों फ़र्क हैं। सदका फितर दर हकीकत रोज़ों के अंदर पाई जाने वाली कमी और ख़राबी का इलाज है। सदकतुल फितर वो सदका जो इफ्तार की खुशी में तुम पर लाजिम हो गया और उसकी वजह से आपके रोज़े कमियाँ होंगी, वो कमियाँ दूर हो जाएंगी और साथ में गरीब इंसानों को ईद मनाने के लिए सहारा मिल जाएगा। इसीलिए सदका फितर के लिए हुक्म है ईद उल फितर से पहले पहले अदा कर दो ताकि जिन गरीबों के घर में चूल्हा ना जल पा रहा हो उनको कुछ मिल जाए और वो अपने घर का चूल्हे का इंतजाम कर सकें, और ईद से पहले अगर सदका फितर अदा कर जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। सदका फितर कितना लाजिम है? जवाब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में सदका फितर जो लाजिम किया था वो फरमाया था एक सा जौ या किशमिश या खजूरें, और उसके बाद फिर सहाबा किराम के ज़माने में फैसला हुआ कि अगर जौ खजूरें किशमिश के अलावा अगर गंदुम कोई सदके फितर में अदा करेगा तो वो आधा सा होगा। ये आधा सा लमसम में आम हालात में समझिए आधा सा का मतलब पौने दो किलो गंदुम या पौने दो किलो गंदुम का आटा सदके फितर में देना होगा। या अगर सदके फितर अदा करना होगा और अच्छा सदके फितर अदा करना चाहते हैं तो फिर तकरीबन 3.5 किलो किशमिश या 3.5 किलो खजूरें एक सा का वजन देखना होगा, तो तकरीबन 3.5 किलो के करीब बनता है, यह अदा करना लाजिम होगा। यह सदका फितर या उसकी कीमत अदा करनी होगी। सदका फितर का मुस्तहिक वही गरीब हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। हमारे बहुत सारे इदारे सदका फितर जमा करते हैं तो उन इदारों की जिम्मेदारी यह है कि लोगों से सदका फितर जब लिया जा रहा है तो एक तो कोशिश ये करें ईद से पहले पहले गरीबों तक पहुँचा दें, और अगर नहीं तो ईद की शाम तक गरीबों तक ज़रूर पहुँचा दें ताकि सदका फितर का जो मकसद है वो पूरा हो जाए और ठीक ठीक गरीबों तक वो सदका पहुँचाना ज़रूरी है। जो इदारे में सदका फितर जमा करने का काम करते हैं उन इदारों के मुलाजमीन और जिम्मेदारों के कंधों पर ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बाज जगह कोताही पाई गई कि सदका फितर जमा किया गया, साल गुजर गया, अभी गरीबों में तकसीम नहीं हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं, ये तरीका सही नहीं है। आपने अगला सवाल ये फरमाया था कि ईद की नमाज एक बशाशत वाली नमाज है और इस्लाम में दो ईदें हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये ईद उल फितर और ईद उल अजहा दोनों नमाजें वाजिब हैं और हर मुसलमान शौक के साथ इनको अदा करता है, करना भी चाहिए, और इसमें एक अजीब किस्म की फरहत और सुरूर होता है और एक ऐसी खुशी होती है जो खुशी किसी और जगह नहीं पाई जा सकती है। ईद उल फितर का टाइम जो है वो आफ्ताब निकलने के इशराक के वक्त से शुरू हो जाता है और दोपहर से पहले पहले ख़त्म हो जाता है। अफजल ये है कि जितना जल्दी ईद उल फितर और ईद उल अजहा अदा कर दी जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ बाज़ जगह पर ईद फितर की नमाज जो है वो 10 बजे और कहीं 11 बजे अदा होती है, तो ये नमाज ईद उल फितर अदा तो यकीनन हो जाती है
लेकिन ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज ईदुल्फ़ितर ईदुल्अज़हा जो है वो अव्वल वक्त में अदा किया, यानी आप समझ कह सकते हैं कि आफ्ताब निकलने के आधे घंटे के बाद ईदुल्फ़ितर और ईदुल्अज़हा अदा हुआ करती थी। लिहाजा और इसकी वजह से लोगों को बड़ी सहूलत भी होती है, और यही वजह है कि जहाँ जहाँ ईदुल्फ़ितर जल्दी अदा की जाती है वहाँ बहुत सारे लोग शौक के साथ आते हैं, वरना दूसरी जगहों में लोग इंतज़ार में रहते हैं अब कब 10 बजेंगे या 10:30 बजेंगे फिर हम पहुँचेंगे और उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। बहरहाल देर से जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाए तो अदा तो हो जाती है और जल्दी पढ़ी जाए तो अफजल है। इसमें आपने सवाल का एक नुक्ता और भी उठाया था, वो ये कि अलग अलग अवकात में नमाज की अदायगियाँ होती हैं, ये शायद आप ये कहना चाहेंगे कि एक ही वक्त में हर जगह नमाज की जवाब है कि नहीं ऐसा नहीं है, बेहतर ये है कि अलग अलग अवकात में ही नमाजें पढ़ी जाए ताकि अगर किसी को छूट जाए तो दूसरे का पढ़ सके, और इसमें आसानी और बेहतरी यही है कि थोड़ा थोड़ा वक्फा हो। लेकिन इसके माना यह नहीं है कि हम घंटों घंटों का बीच में फासला करें, बेहतर यह है कि अव्वली वक्त में अलग अलग टाइमों के साथ, चुनाचे हम जिस टाउन में रहते हैं वहाँ बाकायदा प्लानिंग के साथ नमाज ईद उल फितर का नमाज ईद उल अज़हा का वक्त तय किया जाता है, और हर मस्जिद में 15 मिनट के फासले के बाद फासले के साथ, मसलन फर्ज कीजिए अगर एक मस्जिद में 7:30 बजे रखा गया, अगली वाली मस्जिद में 7:45, अब उससे अगली वाली मस्जिद में 9:08 बजे, फिर 8:15, फिर 8:30, और आखिर में जो जामा मस्जिद या ईदगाह होती है आखिरी ईद की नमाज वही अदा की जाती है। मैं समझता हूँ कि शायद ईद की नमाज के टाइमिंग के बारे में जो अर्ज़ किया जा सकता था वो मैं पेश करने में पेश कर चुका। अल्लाह ताला शानो सही बोलना सही समझना सही फरमाए, उम्मत को हिदायत पर चलाने के लिए जिस दर्जे के पुख्ता इल्म की जरूरत वामी नसीब हो, और सुनने वालों को भी फाहम सलीम आता हो और अमल साले का जज्बा पैदा हो, और उसके बाद फिर अच्छा सच्चा और उम्दा मुसलमान बनना हमारे नसीब में हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज हमने पेश की ये है अस्पताल की कोशिश थी, डॉक्टर फिरोज साहब की कोशिश थी, हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हुए और आपने जानकारी हासिल की होगी, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। ये प्रोग्राम जो तहताम वातनामान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर ये डिस्क पाइलस द प्रोस्टेट वगैर खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सप्तान छु। फोन 7051545788।